फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की मैं बताने वाली हूँ यूनिवर्सल कॉपी इनेबल डिसेबल कैसे करें। और फ्रेंड्स, आप जब भी आप यूनिवर्सल कॉपी से कोई कॉपी करते हैं, कॉपीराइट करते हैं, तो यह मतलब कि उसे पहले शो होना चाहिए, तभी आपको मतलब कि यूनिवर्सल कॉपी से ही आप कॉपीराइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके में शो नहीं हो रहा था, आज का टॉपिक यही है कि हाउ टू शो यूनिवर्सल कॉपी और उसे डिसेबल भी कैसे करेंगे, मतलब इसको हटाएंगे कैसे वो भी बताऊंगी, और फ्रेंड्स इसको यूज़ कैसे करना है वो भी बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक और बात बताना चाहूँगी, अगर मेरे चैनल में पहले आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है, और फ्रेंड्स सेटिंग पर जाने के बाद आपको स्टेक इंटरफेस आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे पहले दिखा दीजिए, दे सकते हैं अभी यूनिवर्सल कॉपी में इनेबल है, नोटिफिकेशन पे भी आप दे सकते हैं, तो उसे डिसेबल कैसे करें तो ये शुरू करते हैं। इसके लिए आपको एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करना है, और यहीं पे आपको दिखता है कि ये है एसेसिबिलिटी, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद आपको सबसे नीचे दिखेगा और यूनिवर्सल कॉपी, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको डिसेबल कर लेंगे। और फ्रेंड्स, इसको कॉपी इस प्रकार करते हैं, जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, और इस प्रकार से आपका ये इंटरफेस आएगा। इसी प्रकार से यूनिवर्सल कॉपी से इसे कॉपी करते हैं, इसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये कॉपी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है और आपका ये कॉपी हो जाएगा। देख सकते हैं ये आपका कॉपी हो चुका है, तो यहाँ इसे आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार से इसे कॉपी लिया जाता है, और जब इसे डिसेबल करेंगे और इसके बाद ओके टर्न ऑफ मतलब ऑफ पे क्लिक करेंगे, आपका ये ऑफ हो चुका है, तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। और जब इसे इनेबल करते हैं, इसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद आपका इनेबल हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे शो होने लगा है, और इसके बाद आपको यहाँ पे भी शो होने लग जाएगा यूनिवर्सल कॉपी। तो इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में यूनिवर्सल कॉपी को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो आई होप आप सीखी चुके यूनिवर्सल कॉपी को इनेबल और डिसेबल कैसे करते हैं। और फ्रेंड्स, जब भी आपका फोटो मतलब कि वीडियो एडिट करते हैं, यूनिवर्सल कॉपी लेनी होती है, तो इसी प्रकार से आप ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले आपको यूनिवर्सल कॉपी को इंस्टॉल करना होगा, इस ऐप को जैसे सकते हैं ये वाले ऐप को इंस्टॉल करना होगा। अगर फ्रेंड्स आपका ये सेटिंग पे जाके नहीं हो रहा इनेबल, तो आप सेटिंग पे क्लिक, पहले आपको सेटिंग पे जाके करना होगा इनेबल। इसके बाद आप यहाँ से यूनिवर्सल कॉपी को इनेबल करेंगे ओपन, और इसके बाद आपको यहाँ पे ही भी दिख जाएगा, तो यहीं पे आप यूनिवर्सल कॉपी पे जाएंगे टेक, और यहाँ से यूनिवर्सल कॉपी को ढूंढेंगे येरा, और इसके बाद ऑन पे क्लिक करेंगे, और इसके ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से भी इनेबल हो चुका है। देख सकते हैं, अगर आपको इसमें शो नहीं हो रहा तो यहाँ से भी आप इसे शो कर सकते हैं और ऐप पे जाकर। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप अपने फॉर्म में यूनिवर्सल कॉपी को सेट कर सकते हैं और यूज़ इसी प्रकार करते हैं। और फ्रेंड्स, आपको अगर इंस्टॉल करना है यूनिवर्सल कॉपी तो ये वाला इंस्टॉल करें। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार से इसका यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपके में कोई मतलब हैंग कर रहा है ये यूनिवर्सल कॉपी, तो उसको कैसे कर सकते हैं ठीक, तो आइए सर उसको भी बता देती हूँ। इसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है, और सेटिंग पे जाने में तो आपको यहाँ दिखता है होम स्क्रीन, और सॉरी ये नोटिफिकेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे। और फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, आपको जिस पे सारे ऐप रहते हैं, तो यानी कि आपको ऐप वाले पे क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है ऐप क्लियर पर, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिखता है कि और भी ऐप है, यहाँ पे बहुत सारे ऐप हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ से पहले बैक करेंगे, और ये तो वो वाला ऐप क्लियर नहीं, इस पर क्लिक करना था आपको ऐप मैनेजमेंट पर, और इसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा ऐप लिस्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ यूनिवर्सल कॉपी को ढूंढना है, तो यहाँ पर एक बार देखेंगे, और जैसे कि आपके में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, यूनिवर्सल कॉपी नहीं हो पा रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको इसको क्लियर स्टोरेज पे क्लिक करना, इस पर क्लिक करना होगा पहले यूनिवर्सल कॉपी पर, और इसके बाद आपको स्टोरेज पे क्लिक करना है, और इसका क्लियर डाटा पे क्लिक करेंगे आप। जो भी आपके में है प्रॉब्लम है, मतलब कि क्लियर डाटा यानी कि यूनिवर्सल कॉपी में जितनी कुछ भी प्रॉब्लम है आपकी, वो सॉल्व हो जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका ये क्लियर डाटा पे क्लिक करने के बाद आपको यानी कि आपका हैंग नहीं करेगा, और जब भी आप यूनिवर्सल कॉपी लेंगे तो आपका सही प्रकार से ले पाएंगे, सब कुछ कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में मदद की वो जब भी आपकी यूनिवर्सल कॉपी हैंग कर रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं यूनिवर्सल कॉपी को। और इसमें क्या क्या चाहिए होता है सब कुछ बता चुकी हूँ फ्रेंड्स। इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में उसे इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए नमस्कार।